सुरों के सगे क्यों हुए अपनों से पराए। सूरज की पहली किरण के साथ सुनाई देती थी उन दोनों की आवाज। मल्हार काका, ये सुर सही नहीं है। सुर तो सही है बेटा, सबके साथ जा रहा है। कल्याणी ठीक कह रही है, वहाँ सुर नीचे ही लगेगा। सुरों का एक ऐसा घरौंदा जिसमें जन्मी थी कल्याणी और केतकी। आज कल्याणी ताई ने मल्हार दादा के सुर की छोटी सी गड़बड़ी भी ना झट से पकड़ ली। दो बहनें, एक सुर तो दूसरा साज। पता है ताई, तेरे बिना एक मिनट भी मेरा मन नहीं लगता। दोनों सुरों के इतने सगे कि पिता राजा राम और माँ देविका को था उन दोनों पर नाज। अभी 15 साल की, इतना पक्का गाना संगीत में। सरस्वती का वास उसके गले में। पर समय ने ली करवट। मुझे अगर मेरे पैसे टाइम पे नहीं मिले ना, और बन गई अपमान की एक दीवार। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रंग संगीत नहीं बेच रहे। दो बहनों के रिश्ते में पड़ गई दरार। बाबा, आप ताई को लेकर जा रहे हो साथ पुणे, मुझे क्यों नहीं, मुझे भी जाना है। जिसकी कड़वाहट नहीं आने देती इन्हें एक दूसरे के पास। ये लो दीदी, आप बड़ी हो और वैसे भी आपके मांगने के लिए बचा ही क्या है। और तुम्हारी मन्नतें हैं कि कभी खत्म ही नहीं होती। उलझे रिश्तों की डोर में अलग हुए इनके तराने। मेरी दीदी कल्याणी ने रिश्तों को सिर्फ निभाया है, उन्हें समझना जरूरी नहीं समझा। सुरों के सगे आखिर क्यों हो गए अपनों से पराए। दो बिखरे सुरों की दास्तां। आशु, कल्याणी गायकवाड़ 2 मिनट में पहुंचने वाली है। केतकी ताई की मैनेजर ने भी ये कहा। आज हम आपको अपने न्यूज चैनल पर दिल्ली के संस्कृति भवन से भारत के सर्वोत्तम संगीत सम्मान संगीत रत्न का लाइव टेलीकास्ट दिखाने जा रहे हैं। आज यहां पर सम्मानित किया जाएगा इस सदी की एक महान गायिका को, कल्याणी गायकवाड़ को। ओके सर, ये बहुत अच्छा था, अभी केतकी ताई का इंटरव्यू लेते हैं। श्योर सर। वो सर, एक गड़बड़ हो गई सर, वो दोनों एक ही साथ पहुंच रही हैं। किस बेवकूफ ने उन दोनों को यहाँ एक साथ बुला लिया? संगीत रत्न भी उनको आधे घंटे के डिफरेंस में मिल रहा है, पता है तुम्हें? सर। और तुम दोनों ने उन्हें यहाँ एक साथ बुला लिया। ए राजू, रोल कर कैमरा, रोल कर। कल्याणी मैम की गाड़ी आई। दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखती है, पता है तुम लोगों को? एक बात ध्यान रखना, अगर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो तुम दोनों इस चैनल में नहीं दिखाई दोगे। अब निकलो यहां से। हेलो मैम। मैम, ये वो सवाल हैं जो हम आपसे इंटरव्यू में पूछने वाले हैं। अरे तुम लोगों को पता नहीं, कल्याणी जी को मराठी स्क्रिप्ट लगती है ना। अरे केतकी ताई, अभी तो कल्याणी ताई आई थी, दोनों एक साथ। हेलो मैम। मैम, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। Thank you.
मैंने कंफर्म किया था, कल्याणी मैम आधे घंटे बाद आ रही है। हाँ ताई आ चुकी है। गायकवाड़ सिस्टर्स, कल्याणी और केतकी, संगीत की दुनिया के वो दो बड़े नाम जिन्हें संगीत विरासत में मिला और शोहरत कड़ी मेहनत के बाद। वो सरनेम शेयर करती हैं लेकिन स्टेज नहीं। ऐसा क्यों ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज हमारे इस लाइव इंटरव्यू में उनकी माताजी देविका गायकवाड़ हमें देंगी उनकी बेटियों से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। ओके कॉफी सर। अरे क्या सर, सर बोलो सर। उन दोनों बहनों को पता चल गया कि वो एक साथ ही पहुंच गई हैं। हे भगवान, इस दुनिया में ऐसी बहनें कहीं ना हो। बहनों का तो पता नहीं, पर ऐसी बेटियां भगवान सबको दे। देविका ताई आइए आइए आइए। नहीं दूर दूर, पास नहीं आना। का उधर जाना है? यहां प्लीज। इस कुर्सी में ही बैठ के इंटरव्यू देना है क्या? हाँ, मदद करे बाबा। आइए थोड़ा दूर रहो। हाँ, आइए। घुटने दर्द करते हैं ना, तो तकलीफ होती है। ये कल्याणी का फोटो नहीं लगाया? अरे फोटो डाल फोटो। हाँ अत्ता कसो। देविका ताई आप आज यहाँ आई यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अरे मेरा क्या, मेरा कुछ नहीं ऐसा। ये मेरी बेटियाँ है ना, ये दोनों खास हैं। कितनी सुंदर लग रही है ना, चांद दिखता है एकत्र। देविका ताई इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये लाइव टेलीकास्ट है तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप जवाब दीजिएगा। रोल कैमरास, साउंड रोल, रोलिंग, वी आर गोइंग लाइव, गेट रेडी इन टू इन वन। तू ठेव ही करते मग ताई। अरे आई का इंटरव्यू आ रहा है टीवी पर, देखना मेरी आई क्या झकास लग रही है ना। देविका ताई आप इधर देखिए मेरी तरफ। नहीं ये कैमरा इधर है ना, मुझे केतकी ने बोला है कैमरे में देख के बात करना। नहीं नहीं देविका ताई, हमारे पास कैमरे और भी हैं, आप मेरी तरफ देख सकती हैं। पक्का? पक्का। ठीक। रे बाबा रे, गर्दन अकड़ गई थी मेरी, अच्छा हुआ। साड़ी अच्छी है ना कल्याणी ने दिली माला। देविका ताई आपने दोनों की फोटो तो साथ लगवा दी लेकिन हकीकत में वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, सही? हाँ पर पहले नहीं था ऐसा, पहले बहुत खुशी से रहती थी दोनों साथ में। ये मैं बताऊँ, 40 साल हो गए इस बात को और अभी भी लगता है जैसे कल की बात हो। मेरी दोनों बेटियां, दो ऐसी नदियां जो एक ही झरने से निकली थी। उनके सुर तो दो थे लेकिन निकले थे एक ही सांस से, और वो झरना वो सांस थे उनके पिता राजा राम गायकवाड़। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को गला कर तपा कर घड़ा बनाता है ना, वैसे ही इन दोनों के कच्चे सुरों को पक्का बनाया था उनके पिता ने। अपने संगीत कला और विद्या को मिलाकर रखी थी उन्होंने इन दोनों की आवाज की नींव, और यही आवाज बनी इनकी पहचान। गावे रे पपीहा, गावे रे पपीहा।
सही नहीं है। सूर तो सही है बेटा, सबके साथ जा रहा है। नहीं काका, ये सुर नीचे होना चाहिए। मलार काका, कल्याणी ठीक कह रही है, वहां सुर नीचे ही लगेगा बावरा पे। मैं बताता हूं कैसे। फिर से करें, तैयार? एक दो तीन। वाह बच्चों वाह, बहुत खूब गाया। और राजा राम, तुमने आखिरी आलापी तो इतनी खूबसूरत गाई, पूछो मत। बाबा मैं तानपुर बराबर गाओ। गाएगा मेरा बच्चा, गा। ताले गा मा पा दा नी सा, ससाले ले गा गा मा मा पापा धा दा री नी सा। क्या बात है मेरे बच्चे ने, कितना अच्छा गाया, कितना अच्छा गाता है मेरे बच्चे, शाबाश। अच्छा सुन, रात को जो सरगम सिखाई थी सुना करके। अरे राजा राम, दफ्तर में आ जाओ, बात करनी है। बेटा कल्याणी, तुम जरा कनिष्क का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। ये शमराव पटेल रुक नहीं रहा है, दो दिन में चार बार उसका आदमी यहाँ आके गया पैसों के लिए। और कहा होगा अगर पैसे नहीं है तो रंग संगीत बेच दो। एक साल हो गया कर्जा लेकर। अरे हाँ, पर उससे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुम जानते तो हो इसी हफ्ते अपना कार्यक्रम है और मैं जानता हूँ कार्यक्रम शानदार होगा। नहीं नहीं, तुम्हारा कार्यक्रम शानदार ही होगा, लेकिन लोग अभी वो शास्त्रीय संगीत और नृत्य देखना पसंद नहीं करते। लोगों की दिलचस्पी अब फिल्मी गानों में है और सिनेमा में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है आनंद, सच्ची कला इन चीजों से हमेशा ऊपर रही है और रहेगी। क्या करोगे सच्ची कला को लेकर, क्या करोगे? देखो तुम्हारा चचेरा भाई और इस रंग संगीत का मैनेजर होने के नाते मैं ये बोल रहा हूं, हर महीना कर्जा लेकर मेरा और बाकी के कलाकारों का पगार देते आ रहे हो तुम, कब तक इस तरीके से रंग संगीत को चलाओगे? राजा राम, क्या कर रही है? तेरा पीछा और क्या, मुझे भी तेरे साथ रहना है। ताई क्यों साथ रहना है, क्यों हमेशा मेरा पीछा करती रहती है? क्योंकि तू मेरी ताई है और बहनें तो होती साथ रहने के लिए। पता है ताई, तेरे बिना एक मिनट भी मेरा मन नहीं लगता। और ताई के चक्कर में भाई को तो भूल ही गई। बाबा ने कहा था ना कनिष्क पे नजर रखने के लिए। जल्दी चल। देखो राजा राम, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम थोड़ा सा बदलने के बारे में सोचेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। वो मैंने सुना है एक चित्रकार तमाशा मंडल है, वो उनके पास सिर्फ चार लावणी के कलाकार हैं, सिर्फ चार। और मैंने सुना है लोग पागल है उनकी लावणी देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए। मैं उसके मैनेजर को जानता हूं, अगर तुम कहो। नहीं, तो नहीं, 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 नहीं अनंत, मैंने रंग संगीत को खड़ा किया था ताकि मैं नाग थाने को एक सांस्कृतिक केंद्र बना सकूं, जहां लोग ये फूहड़ नाच गाना देखने नहीं बल्कि सच्ची कला का आनंद ले सकें।
अगर मुझे पैसे और प्रसिद्धि के पीछे भागना होता ना तो कब का भाग चुका होता। देखो मुझे ये सब बातें नहीं करनी, मैं तैयारी करने जा रहा हूँ। राजा राम सुनो, मेरी बात सुनो राजा राम, रुक जाओ। ठीक है, तुम रणसंगीत श्यामराव पाटिल को नहीं बेचना चाहते हो, मत बेचो, लेकिन एक बार पूना जाके दबे साहब से तो मिल लो, वो भी रणसंगीत को खरीदना चाहते हैं, वो खुद एक कलाकार है और तुम्हारी तरह इसको वो सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहते हैं, उनको बेच डालो। अरे बेच तो तुम रणसंगीत को बेचने के बारे में सोच कैसे सकते हो? तुम्हारे हालात को देखकर, तुम्हारे अंदर एक कलाकार है ना, वो इस बदलती दुनिया से संघर्ष कर रहा है, मैं देख सकता हूं, अंधा नहीं हूं मैं। अनंत पता है, अगर इंसान को 7 दिन तक खाना ना मिले ना तो वो जी सकता है, 3 दिन पानी ना मिले तो भी जी सकता है, लेकिन अगर सांस 3 मिनट तक भी ना मिले ना तो वो जी नहीं सकता। रंग संगीत मेरे लिए वो सांस है, और तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से अपनी सांस को छोड़ दूंगा? देखो तुम घबराओ मत, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, सब ठीक हो जाएगा, मैं तैयारी करने जा रहा हूं। सुनो जल्दी घर चलो, ये तो खाना ठंडा हो जाएगा, और अगर खाना ठंडा हो गया तुम्हारी आई कहेगी खाना ठंडा हो गया तो उसको सब चल जाता है। हाथ मुंह धो लो और आप भी जल्दी आ जाइए, खाना ठंडा हो जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा। ठंडा करता माजी सर के। अच्छा हमको परोसना बंद करो और खुद भी खाओ, क्योंकि तुम तो जानती हो ना कि अगर खाना ठंडा हो जाए तो उसका स्वाद चला जाता है। अरे पता है आज कल्याणी ताई ने मल्हार दादा के सुर की छोटी सी गड़बड़ी भी ना झट से पकड़ ली, किसी का भी ध्यान नहीं गया, लेकिन ताई को समझ में आ गया। और आई केतकी आज इतना अच्छा नाची कि सब अपना संगीत छोड़ के सिर्फ केतकी को देख रहे थे। आई आज मैंने भी गाया। अच्छा मेरा छोटा तानसेन, तो आज जब आजी आएंगे ना तो उनको गा के सुनाना, बहुत खुश हो जाएंगे वो। मैंने आई का बिस्तर इन्हीं के कमरे में लगा दिया, ठीक है ना? हमारे कमरे में क्यों? नहीं आई, मुझे नहीं रहना उनके साथ एक ही कमरे में, आप उनका बिस्तर कहीं और लगा दो। ऐसे नहीं बोलते केतकी, वो आज ही है ना हमारी, और कितने सालों के बाद आ रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए ना। प्यार ठीक है कर लूंगी, लेकिन कब तक? हाँ कब तक, ज्यादा दिन तक दिखावा नहीं कर सकती ना। ये तो अपने आजी से खुद ही पूछ लेना कि कब तक। ताई गुस्सा मत करो, मैं आजी को अपने कमरे में सुला लूंगा। अच्छा खाना हो जाए तो आप तुरंत निकल जाइए, ताई के पास आती होगी। अरे देवा 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 देवा,
ये आदमी बस चला रहा है कि बैलगाड़ी चला रहा है? और 15 मिनट जाएगा। सुना, अरे ये सारा नागठाणे गांव है ना, समझो मेरा घर ही है। अरे मैंने राजा राम के बारे में बताया तुझको? हाँ राजा राम बता दिया आपने। बहुत बहुत गुणी कलाकार है वो। अरे खुद बड़े गंधर्व ने कहा था, ऐसे कलाकार हर रोज नहीं पैदा होते, युगों में एक आध बार होते हैं। और मेरा राजा राम सिर्फ अच्छा कलाकार नहीं, अच्छा बेटा भी है। राजा दर, आयुष्मान भव, राजा मज राजा रे। कशी आई? मी बरी है रे। अरे पण तुला काय झालं? तुझी बायको जेवायला देत नाही का? कितना दुबला हो गया तू? कुछ भी यार, कुछ भी नाही रे, नाही मजरा। अरे सामान कुठे? अरे सामान, अरे हे बघ ना, हे मेरा राजा राम, देख ना ये राजा राम है। ए आ बस बस, चल चल घरी चल। कैसा सफर? ठीक था? हाँ दिक्कत नहीं? अच्छा आज पता क्या हुआ? मल्हार काका ताल दे रहे थे हम। हाँ। कल्याणी गाड़ी थी। हाँ। मल्हार काका ने ताल छोड़ी ना तो एकदम पकड़ ली। अच्छा? अभी 13 साल की, इतना पक्का कान है संगीत में, सरस्वती का वास है उसके गले में। हाँ। नाद कोना चाहिए। मौसरा? अच्छा है। आई तो क्यों नहीं बनाती ऐसे लड्डू? अच्छी है। अरे इसे कहाँ आते हैं ऐसे लड्डू बनाने? इसके लिए बेसन, चीनी, इलायची और साजुक तूप बरोबर प्रमाणात असलं पाहिजे, तब आता है ऐसा स्वाद। कोई बात नहीं, सिखा दूंगी तुझे भी, फिर बनाना बच्चों के लिए। अब देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये कल्याणी तेरे लिए, और ये केतकी पटाखा तेरे लिए। तुम्हें जैसे पसंद हो ना वैसे कपड़े बनाना। सिलाई तो आती है ना तुम दोनों को? क्या सुन भाई, सिलाई भी नहीं सिखाई इन दोनों को? वो आई दिन भर पढ़ाई रहती है और फिर संगीत तो... हाँ पता है पता है। और मैं भी किससे पूछ रही हूँ। सुई में धागा डालना तो आता नहीं तुझे, तू क्या सिखाएगी इनको? कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगी तुम दोनों को। आजी मैं यहाँ इसलिए बैठी थी कि आप मुझे ये दोगी, लेकिन आप तो आते ही सिखाने लगी। अरे कार्टे कैसी पटर 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 कर रही हो? देखो तुम दोनों अब बड़ी हो रही हो, और कढ़ाई सिलाई तो हर लड़की को आनी चाहिए, समझी? कल्याणी ले बेटा, ये तेरे लिए। आजी बहुत सुंदर कपड़ा लाई हैं आप, और अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। आजी आप जो भी सिखाएंगी ना मैं सीखूंगी। कितनी घोड़ बोलते इस गबाड़ा। राजा कल्याणी में वो बात है, मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ, ये देख। अरे ये ना स्वेटर है, अपने हाथों से बुना है तेरे लिए, पसंद आया? आहा कितना प्यारा बच्चों। अरे कितना खुश है राजा।
इसकी आंखें तो बिल्कुल तेरे जैसी हैं। क्या गाता भी तेरे जैसा ही है कि गया है अपनी आई पर? अरे नहीं, पूरा इन्हीं पर गया है, काजी ना का करूं। अभी से संगीत सीख रहा है। इस घर में सब गुणी कलाकार है, बस एक मैं ही हूँ जिसमें कोई गुण नहीं है। बात तो सच है। अरे देवी तुम बहुत गुणवान हो। अब देखो आई ने मेरे लिए कितनी लड़कियां देखी, लेकिन अपनी बहू के सारे गुण उनको तुम में मिले ना, है कि नहीं? हाँ भाई, दोष तो नहीं दे सकती उसे, पसंद तो मैं ही करके लाई थी उसे। तू तो एकदम पारखी है। मैं देख, घर में भले ही सभी गुणी कलाकार हैं, लेकिन हम सब अपनी कला को निखार पाते हैं सिर्फ देवी की वजह से, है कि नहीं? बस बस बस, भाई कुछ गुणगान पूरे झाले, जरा बाहर आ, थोड़ी बात करनी है तुझसे। राजा, तू तो अपने बाबा और आजूबा की हालत जानता था ना, वो दोनों भी तो कर्जे की चिंता में मर गए, लेकिन उन दोनों के पास न तेरे जैसी कलाकारी थी न रंग संगीत, लेकिन तेरे पास तो इतना बड़ा नाट्य गृह है, अच्छा मौक्याच्या जागी। मेरी बात मान राजा, नाट्य संगीत को बेच दे और अपनी जिंदगी नए तरीके से जीना शुरू कर दे। अरे अपने परिवार के बारे में तो सोच, बाइको है, सोनिया सर की तीन मुला है, उनके बारे में तो सोचना चाहिए ना तुझे। राजा, आदर्शवादी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उस आदर्शवाद के लिए अपने सारे परिवार को बलि चढ़ाओगे तुम? अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं, तू भी तो समझा सकती है उसे, पति है तेरा, तेरी बात मानेगा। मेरी बात कहां मानता है वो? अरे कुछ तो बोल।